और सबसे पहले बात करेंगे बिहार में एमएलसी की 24 सीटों को लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक भी हुई। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो उनकी सिटिंग सीट है उसे वो नहीं छोड़ेंगे, यानी कि बीजेपी 13 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। लेकिन जब उनसे सवाल जेडीयू को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि जेडीयू या फिर दूसरे सहयोगियों को कितनी सीटें देनी है इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर सिटिंग सीट को नहीं छोड़ा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के पास हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि हमारी इतनी सीटें हैं, उनकी इतनी सीटें हैं। अब उसमें से क्या होगा, कितनी सीटें गठबंधन में जाएंगी और क्या करेगा, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यह तय करना कभी भी प्रदेश का काम नहीं होता है। हमने केवल अप्राइज किया कि हमारी कितनी सीटें हैं और उनकी कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें विरोधी दलों के पास हैं। ये आज ये कोई आज की न्यूज़ है क्या? लेकिन जेडीयू कह रही कि बराबर बराबर, यानी कि 12-12 पे ही दोनों। देखिए, हमारे यहाँ से हमेशा केंद्रीय नेतृत्व यह निर्णय लेता है। हमारी जो स्थितियां बनी है वो हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया, इसके बाद वो फैसला। तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सिटिंग सीट को नहीं छोड़ेगी। तो क्या जेडीयू 11 सीटों के लिए तैयार हो जाएगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि जेडीयू ने एमएलसी सीटों के लिए बंटवारे का जो फॉर्मूला दिया था वो लोकसभा चुनाव की तरह था, लेकिन इस बार बीजेपी का जो फैसला है वो जेडीयू के लिए झटके से कम नहीं है। अब जेडीयू का कहना है कि ये सब फैसले केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। उधर सवाल सिर्फ बीजेपी और जेडीयू का ही नहीं है, बल्कि एनडीए में दो और सहयोगी भी हैं। दोनों सहयोगियों के इरादे भी एमएलसी सीटों को लेकर जाहिर है। उनकी तरफ से भी डिमांड है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2 सीटों की डिमांड कर चुकी है, तो विकासशील इंसान पार्टी भी 4 सीटों की मांग कर रही है। तो अब रास्ता क्या है? सहमति बनेगी या फिर मामला फंसेगा? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है और उधर से बीजेपी के भी अपने शीर्ष नेतृत्व और हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ के बातें करेंगे कि अब इन सीटों में हम अपने गठबंधन में और किसको क्या दें ना दें, ये तो उनके मामले हैं। हमने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि गया की सीट और सीतामढ़ी की सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दिया जाए। ये दोनों सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं वो काफी सशक्त और मजबूत है। गठबंधन हमें 4 सीट नहीं देती है तो हम 24 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव में भी हमारी तैयारी पूरी थी और इस बार भी हमारी पूरी तैयारी है।